नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं वेलकम लाइफ चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा, बहुत से कमेंट आए हैं मेरे पास कि भाई हमें बताइए कि 12 टायरी गाड़ी के अंदर जो हम दो टायर अपने उठाते हैं अगले टायर से पिछले टायर, तो उनको हम क्यों उठाते हैं और कौन सा उनका जो स्विच है, कौन सा बटन है जिनसे उनको उठाते हैं। तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम आपका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें, कुछ आपकी मदद कर सकें। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो फिर हमारे जो तक कुछ बातें आपकी नहीं पहुंच पाती है, जिससे हम आपको कुछ नॉलेज दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले अब हम हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का ये बटन दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का जो है आपको ये बटन दिख रहा है, इससे हम जो है अपने टायर को उठाते हैं। तो देखिए, अब हम टायर को उठाते क्यों हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसको समझना ज़रूरी होता है। अगर उस काम को आप समझोगे नहीं तो आपके दिमाग में वो बातें फिनिश नहीं हो पाती हैं और फिर वे आपको बहुत दिक्कत दे देते हैं। तो देखिए, 12 टायरी गाड़ी हो या 14 टायरी गाड़ी हो, 6 टायरी हो या 10 टायरी हो, 6 और 10 टायरी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि उनमें टायर उठा दिए जाए, क्योंकि उनमें इतना लोड नहीं होता है, इतना माल नहीं आ पाता है। और इनमें क्या होता है कि इनमें माल भी ज़्यादा हो जाता है और जो बीच का गैप होता है, अब जो ये दूसरी गाड़ियाँ होती है उनमें तो अलग बात है, लेकिन जो बीच का गैप होता है उनमें टायर दिए होते हैं। तो इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम किसी मोड पर कुछ कटाई करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। तो हम इसलिए टायरों को, जब हम खाली गाड़ी होती है तो टायरों को ऊपर उठा के रखते हैं, लेकिन भारी होती है तो हम गाड़ी को जो है टायरों को नीचे डाल देते हैं, जिससे गाड़ी का जो वज़न है, बीच का वज़न है, वो पूरी गाड़ी की बॉडी के ऊपर ना पड़े। क्योंकि अगर कोई धचकी वगैरह आती है या फिर अगर हल्की हमारी बॉडी का कुछ पार्ट नीचे से रह जाता है तो वो टूटने का दिक्कत बहुत बन जाती है। जैसे भी आपने कई ट्रालों में देखा होगा कि गोल गोल सी जो कॉइलें होती हैं, वह लोहे की कॉइल बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनमें काफ़ी वज़न होने के कारण से कई बार बीच में से ट्राला टूट जाता है और टूटने के कारण फिर वो गाड़ी वहीं पे डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो है 12 टायरी और 14 टायर में ये सिस्टम दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा टाइप टायर के रूप में माने जाते हैं। इनका काम बस इतना होता है कि सहारा देना है, ये सहारा दे सके जब किसी ज़्यादा माल गाड़ी के अंदर हो जाता है। क्योंकि एक मान लीजिए अभी ये तेल की गाड़ी है तो इसमें चैम्बर का एक 5000 लीटर में उसमें वज़न काफ़ी हो जाता है, तो वो वज़न जो है आगे की तरफ भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि आगे की तरफ आगे से पिछला अगर चैम्बर है तो शुरू शुरू में ही इसमें वज़न आता है, गाड़ी के अगले टायरों की तरफ ज़्यादा वज़न आ जाता है। तो इसलिए हमें इन दो टायरों को लगाना पड़ता है और ज़रूरी होता है ये 12 टायरी और 14 टायरी गाड़ी के अंदर। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा यही नॉलेज आपको देने वाला था। वीडियो अगर पसंद आए और हमारी गाड़ी कैसी है अंदर से ये भी हमें बताना। आपने बहुत सी गाड़ियाँ देखी होंगी लेकिन हमारी गाड़ी बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी दिखने वाली है। तो देखिए, मैंने गाड़ी को सजा के रखा है फुल। तो यही कुछ नॉलेज थी आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थोड़ी सी झलक मैं आपको अपनी दिखा देता हूँ। देखिए, आपको शीशे में थोड़ी सी झलक मेरी दिख रही होगी, यहाँ से मैं वीडियो को बना रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।